हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दिस इज कुलदीप चंदोलिया और अभी हम आज है शिवरात्रि का दिन और आज हम जा रहे हैं शिववाड़ी जो पड़ता है हिमाचल के अंदर। तो वहाँ स्पेशली क्या है कि शिव जी का वो बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, तो उसके साथ और मेरे साथ जा रहे हैं आज हर्ष भाई और बिग थैंकफुल फॉर हर्ष। हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। और हर्ष का थैंकफुल इसलिए कि कोई पर्सन होना चाहिए आपके साथ और हम जा रहे हैं स्प्लेंडर के ऊपर जा रहे हैं हम दो बंदे और बहुत ही मज़ा आ रहा है रास्ता, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा रास्ते का मज़ा होता है वो आप सबको पता है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे मेरे सामने है मंदिर, मैं दिखाता हूँ इसको बैक कैमरे से आपको एक व्यू दिलाता हूँ। और यहाँ पे पीछे है कुछ ऐसी बिल्डिंग अपार्टमेंट, तो ये देखो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का मंदिर। यहाँ रास्ते पर हम रुके थे, ये शेरावाली का मंदिर और अंदर काफ़ी वाटर चल रहा है ये देखो, और पार्क बना हुआ है, अच्छा व्यू है, अच्छा माहौल बना हुआ है। और अभी हम रास्ते में रुके थे यहाँ पे फाइनल, तो अभी चलेंगे, बाइक चलाऊंगा मैं, ड्राइव करूँगा, पीछे बैठेगा हर्ष। तो फ्रेंड रास्ते में ये दरगाह है, जब भी हम चिंतपूर्णी बाइक पे जाते हैं तो इस दरगाह पे मथा टेकते हैं। और यहाँ पे देखो आप, फ्रेंड्स यहाँ से हिमाचल इस दरगाह के बाद ही है जो हिमाचल की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस साइड ऊपर की तरफ पहाड़ियाँ हैं सारी, तो यहाँ से पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और फिर ट्रिप अभी और थोड़ा सा पड़ा है। यहाँ से हम कितना अराउंड 50 किलोमीटर आ चुके हैं अपने घर से, और यहाँ से रह गया 25 किलोमीटर और रह गया हमारा सफ़र, जहाँ पर हमें एक्चुअल में जाना है शिव जी के मंदिर में, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स नया रोड बन गया है यहाँ पे शिववाड़ी चिंतपूर्णी के लिए, वो देखो सामने दूसरा रोड से जाते थे, वो रोड पहले हम इस रोड से जाते थे सारे लोग, और अब नया रोड बन गया है शिववाड़ी और चिंतपूर्णी के लिए, ये देखो। अभी अराउंड 10 किलोमीटर रह गया होगा, है ना आज 10 किलोमीटर रह गया होगा, चलो चलते हैं अभी। फाइनली फ्रेंड्स अब पहुंच गए मैं और हर्ष। कितना टाइम लगा हमें हर्ष? हमें 4 घंटे। 4 घंटे नहीं, 2 घंटे लगे। यहाँ है गेट शिववाड़ी का, ये देखो शिववाड़ी का गेट है, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, रोड रोड पूरा जाम हो गया है। तो फ्रेंड्स भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पीछे देखो भीड़ ही भीड़ है, फैमिलीज आई हुई हैं काफ़ी सारी, तो मैं और हर्ष ही आ रहे हैं वीडियो के अंदर और थोड़ा चल रहे हैं, मथा टेकेंगे और अगर वीडियो अलाउड होगी तो आपको भी दिखाएंगे। और बाकी यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें हर मेले की तरह यहाँ पे भी होती हैं छोटी मोटी दुकानें, फूल की, प्रसाद की, खिलौनों की, और सूट जो घर में घरेलू सामान होते हैं उनकी सबकी। और बाकी हर्ष है, जो हर्ष ऐसा लग रहा है और हर बंदा इसको देख रहा है कि ये टीका कहाँ से लगा, जो इसने मथे पर जो जय महाकाल का टीका लगवाया ना, तो सब लोग इसे ही देख रहे हैं भाई, और मेरी वीडियो में भी इस लोडे को देखने वाले हैं लगता, इसने मेरे को भी फेल कर दिया। बाकी फ्रेंड्स हम आ गए हैं मंदिर, ये देखो ये है शिववाड़ी का मंदिर, ठीक है, बहुत मान्यता है उनकी शिव जी जी की यहाँ पे मंदिर की। और ये देखो पूरा मंदिर ये है,
फैंस ये देखो, भीड़ देखो, अपने लाइन देखो कितनी लगी हुई है। शिवबाड़ी मंदिर यही है, यही है, पहुंच गए हम शिवबाड़ी मंदिर। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, लाइन देखो कितनी लंबी है। देखते हैं हम कहाँ तक जा रही है लाइन, तो हम कहाँ से लगेंगे। टेंशन यही है कि हमें थोड़ा जल्दी फ्री होना था, लाइन चेक कर रहे हैं कहाँ तक लगती है। फ्रेंड्स मैंने आपको लाइन दिखाई, लाइन बहुत बड़ी है। देखते हैं अभी, डिसाइड करते हैं कि मथा टेकना है कि नहीं देखना। हर्ष क्या करें फिर, अभी देखते हैं, देखते हैं अभी, अभी सोच रहे हैं हम लोग क्या करेंगे। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? कुछ नहीं, एक डेढ़ घंटा लगेगा और बारी आ जाएगी, टर्न आ जाएगी। जय माँ का, जय श्री कृष्ण। बहुत ही रश है इधर, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यही है मेन दरबार और प्रवेश दरबार है शिवाड़ी का, ये हमारा प्रसाद है, ठीक है। ये देखो यही है एंट्रेंस गेट शिवाड़ी। लाइन तो फ्रेंड्स लाइन में हमें ऑलमोस्ट आधा हाफ एन आवर लग गया है, आधा घंटा लग गया है, उसी इधर से बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स हाफ एन आवर हो गया, हमें आधा घंटा हो गया आते को। तो फ्रेंड्स यही है मेन मंदिर शिवबाड़ी का, अंदर से बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है। ये देखो पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा हुआ है, ये पुलिसकर्मी है जो यहाँ पे वर्कर है, मतलब हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये बड़ा सा नज़ारा है, लाइन से जा रहे हैं, लाइन से दो लाइनों को एक एक करके भेजा जा रहा है। बंद कर देना अंदर, बंद कर। तो फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिए हैं और लाइन बहुत बड़ी थी, ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन करवाए जा रहे हैं। कोई भी धक्का मुक्की, कोई भी रोले वाला काम नहीं है। और हैप्पी शिवरात्रि, जय महाकाल, जय शिव शंकर। ठीक है अभी घर चलेंगे, और यहाँ पे शायद मेला है और वहाँ पे देखते हैं, और चलना है कि नहीं चलना। चलो मेले पे चलेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं इंजॉयमेंट है कि नहीं वहाँ पे, थोड़ा बहुत देखेंगे क्या क्या है, क्योंकि हमें घर भी निकलना है। आपको भी पता, हम आपको पता है कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि हम जलंधर से आए हैं, आपको पता है सब कुछ, ठीक है। तो मैंने यही सजेशन दिया है कि शूज़ पहन के हम मेले में घूमें, क्योंकि नंगे पैर तो बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण एरिया है पूरा। तो फ्रेंड्स ये इनको स्पेस दी गई है यहाँ पे, जो भी मंदिर के सेवादार थे, ठीक है। ये देखो इनका हर एक को अपना अपना ब्लॉक दिया गया है, जो भी यहाँ के गुरु थे, तो उनके लिए इनकी या सेवादार थे, जो इनकी याद में ये सारे बनाए गए हैं। ये देखो सारे इनकी याद में बनाए गए हैं, ये देखो सब इनकी याद में बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा मार्केट लगा हुआ था, ठीक है। ये देखो जूस लगा हुआ है, यहाँ झूले लगे हुए थे, और ये कुछ खिलौनों की मार्केट लगी हुई थी, ठीक है। और इधर लगी थी जलेबियाँ, जलेबियाँ और पकौड़े लगे हुए हैं, वो देखो यहाँ पे, यहाँ लगे हैं जलेबी और पकौड़े, ठीक है। पब्लिक खा रही है, ये भी है, ये देखो यहाँ बन रही है मोटी मोटी जलेबी, जबरदस्त जलेबी। और ये देखो यहाँ पे गन्ना जूस, पुदीना जूस, गोलगप्पे और आइसक्रीम, ये सब था, मतलब अभी फुल फुल मंडरा है। अभी थोड़ा शाम हो गई है, इवनिंग हो गई है, तो इस वजह से। भांग, ये है भांग।
तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अभी हम यहाँ पर आए थे। अगर आप कई लोग सोचते होंगे कि जलंधर में भी तो शिवरात्रि होती है और आप इतनी दूर क्यों आए हो, हिमाचल क्यों आए हो, क्योंकि जलंधर का मेन मकसद था मेरा यहाँ पे मत्था टेकना, और दूसरा मकसद था कि आपको नई चीज़ दिखाना। ठीक है, यहाँ पे शिवरात्रि है जो भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पे। मैं क्योंकि मैंने जलंधर का क्या है कि जलंधर का मैंने बना चुका हूँ ब्लॉग, ठीक है, अगर आपने देखना हो तो नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप जाओ देखो, विजिट करो एक बार, बहुत ही प्यारा ब्लॉग था। वो भी क्राउड ऑलमोस्ट सेम था, वहाँ पे भी क्राउड सेम ही था, यहाँ पे भी सेम है, वहाँ पे भी सेम था। और अभी हम बाइक पे निकल चुके हैं, हर्ष वापिस जा रहे हैं, हम वापिस जा रहे हैं। और बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है यहाँ का, ये देखो बादल, देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, और वो देखो सूरज यहीं पे सनसेट हो रहा है यहाँ का, हिमाचल प्रदेश का सनसेट है। ये देखो पूरे हसीन वादी हैं ये। तो हम ये देखो पहाड़ी। तो फ्रेंड्स अभी हम रुके थे थोड़ा सा चाय नाश्ता करने, चाय नाश्ता करने रुके थे, चाय पियेंगे और पकोड़े करवाएंगे। हर्ष ने पकोड़े ऑर्डर किए हैं तो खाएंगे और निकलेंगे थोड़ी देर के अंदर यहाँ से।